तो वहीं कोटा शहर में एक युवक ने मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली, जिसका पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि देर शाम को एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने आत्महत्या कर ली। उसका शव बिखरी हालत में मिला, जिसकी पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के पिता जगदीश ने बताया कि उस पर लोगों का कर्ज था, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। दिनांक 26/4/2019 को स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन रखनिया तालाब ने जीआरपी में कोटा को सूचना दी कि ट्रेन जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से एक व्यक्ति रनौर, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो लाश छत व्यक्ति अवस्था में थी। आसपास उसके वारिस्तान की तलाश की गई तो कि शिनाख सुनील संग्रावत रनौर से जगदीश प्रसाद संग्रावत निवासी सूर्य नगर ढकने तालाब के रूप में हुई है, जिसकी लाश रात्रि का समय होने से यहाँ एनपीएस अस्पताल में रखवाया गया था। आज उसके वारिस्तान की मौजूदगी में पंचायतनामा कार्रवाई की जाकर बाद पोस्टमार्टम के वारिस्तान की सुपुर्द की जाएगी।